हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ सौम्या। आई होप यू आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम निकलने वाले हैं अपने एक ट्रिप के लिए जो सडनली हमारा प्लान बना है। सो हम जा रहे हैं मनाली। अभी अभी डिसाइड हुआ है एक दो दिन में ही, और हम लोगों ने पैकिंग कर ली फटाफट से। सो आज हम निकलने वाले हैं। एंड बाहर आप देखो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम लोगों ने यहीं से ही सारे रिजर्वेशन वगैरह करा लिया है। तो अभी दो शी हम लोग चार लोग जा रहे हैं एंड दो बच्चे हैं साथ में। तो हम लोगों ने जो रिजर्वेशन कराया था तो उसमें दो टिकट ही कंफर्म हो पाई हैं एंड दो नहीं हुई हैं। सो थोड़ा सा उसका टेंशन था कि ठीक से चले जाएं, पहुंच जाएं, ये बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम लोग अपने घर से निकले, देन चाचा के यहाँ पर गए, तो वहाँ से चाचा चाची साथ में आए एंड यहाँ पे हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं। ये जबलपुर से बड़ी स्टेशन कहलाते, यहाँ पे हम आए हैं एंड यहाँ पे हमारी ट्रेन है। सो बस अब हम लोग का सफ़र जो है स्टार्ट हो रहा है। मेरी शादी के 5-5.5 साल हो गए हैं, इसके बाद हम पहली बार घूमने के लिए ऐसे ट्रिप प्लान करके निकले हैं। सो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, सभी लोग बहुत हैप्पी हैं एंड बहुत इंजॉय करने का हम लोगों ने सोचा है। सारी टेंशन भूल के, सारा काम कर सब कुछ छोड़ के बस बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ही वाला टाइम जो है वो निकला है। एंड या हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो आपको बता दूं कि हम लोग ना यहाँ से निकलते टाइम, मतलब यहीं जबलपुर में ही थे तभी सारा सब कुछ प्लान बना है, मतलब रिजर्वेशन वगैरह टिकट्स वगैरह यहीं से सारी लौटने तक की हो गई हमारी। तो ज़्यादा टाइम नहीं था, 1 वीक के अंदर ही हमें जाके वापस भी आना है घूम के। सो अभी हम लोग यहाँ से जबलपुर से दिल्ली जाएंगे एंड दिल्ली से फिर मनाली के लिए हम लोगों ने बस की टिकट ली हुई है। सो ये देखो गाइस, अभी हम लोग जो हैं दिल्ली पहुँच गए हैं एंड मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। एंड या बहुत अच्छा लगा, बट ट्रेन जो है वो अपने टाइम से थोड़ा सा लेट पहुँची थी, तो हम लोग जो है दिल्ली घूम नहीं पाए। जो सोचा था उस हिसाब से कुछ भी हो नहीं पाया। सो यहाँ पे हम लोग लेट आए हैं एंड या अब थोड़ा सा सोच रहे हैं होटल वगैरह के लिए। तो हम लोग यहाँ से गए थे पहाड़गंज एंड वहाँ पे हम लोगों ने एक होटल ली एंड थोड़े से टाइम के लिए ही चाहिए थी, मतलब फ्रेशन अप होने के लिए, नहाने वहाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी साथ में हैं तो उनका भी सब कुछ देखना पड़ता, खाना पीना वगैरह सब कुछ। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक होटल ली एंड हम लोगों को जाना था सरोजनी मार्केट। हम मतलब सोच के ही रखा था कि वहाँ ही जाना ही है, तो ये सोचा था, बट वहाँ पे हम नहीं जा पाए। तो ये हम लोगों का रूम है एंड हम वहाँ पे नहीं जा पाए। तो वहाँ पे जो आई थिंक क्या वहीं का जो पास का मार्केट था ना, वहाँ पे हम लोग गए एंड आने जाने में ही टाइम चला गया पूरा। हम लोगों का जो है बस का टाइम हो गया था, आई थिंक बस के मतलब बस स्टैंड जहाँ पे वो कश्मीरी गेट है वहाँ से हमें मनाली के लिए बस थी, तो वहाँ पे हमें 4:45 बजे पहुँचना था। तो कुछ भी नहीं लिया हम लोगों ने, वापस रूम गए और थोड़ा सा मार्केट ऐसे ही घूमा। वो तो मौसम अच्छा था तो घूम लिया, कुछ ख़रीद नहीं पाए एंड मूड थोड़ा सा ऑफ था। फिर सोचा जब लौटेंगे तब घूम के आएंगे एंड हम लोग पहुंच गए फिर से बस स्टैंड, कश्मीरी गेट पहुंच गए। वहाँ पे हम एकदम करेक्ट टाइम पे पहुँचे एंड वहाँ से हम लोगों ने बस ली एंड निकल गए मनाली के लिए। सो गाइस, हम लोगों की जो बस थी वो 4:45 बजे का उसका टाइम था, वहाँ से हम निकले। दिन बस जो है जगह जगह थोड़ी थोड़ी देर में मतलब रुकते हुए आती, जिसको भी फ्रेशन अप होना है तो वो फ्रेशन अप हो जाए, खाना पीना है कुछ तो वो खा पी ले। एंड यहाँ पे मतलब बस रुकी थी आई थिंक 10 बजे के करीब एंड यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए रुकी थी ताकि जिसको भी खाना पीना है वो खाना वगैरह खा ले। तो हम लोगों ने तो मतलब शाम को हम लोग खाना खा के नहीं निकले थे, वहीं पे बस ब्रेड पकौड़ा वगैरह मिल रहे थे तो थोड़ा सा वो खाया था, बट बहुत टेस्टी थे। कश्मीरी गेट पे जो हम लोगों को ब्रेड पकौड़ा मिले थे इस बहुत टेस्टी थे। एंड वहाँ पे ये जो हमने होटल दिखाया है ना, तो यहाँ मतलब कह लो 5-स्टार होटल है, मतलब खाना यहाँ का इतना महंगा, इतना मतलब खुलेआम कमाई हो रही है इन लोग की, बिल्कुल दोनों हाथों से लूट रहे हैं। और ये ना मेन्यू कार्ड नहीं देते हैं बिल्कुल भी, मतलब दिखाते नहीं कि क्या चीज़
कितने प्राइस में है कुछ भी नहीं दिखाते, डायरेक्ट आप बोलते हैं आप ऑर्डर दे दो एंड देन फाइनली बिल आता है तो समझ लो। तो यहाँ पे सारी बस रुकती हैं, तो इन लोगों का कुछ ऐसा सिस्टम है। देन गाइस रात में ना हम लोग सो गए थे बस में, एंड ये जब हम लोग मॉर्निंग में उठे ना 5:15 जितना भी टाइम हुआ था, तो यहाँ का व्यू गाइस देखने लायक था। मनाली वाली फीलिंग जो है वो आने लगी थी। और ये देखो गाइस बहुत ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छा व्यू है। जगह जगह एकदम खाई जैसी दिख रही है, और बहुत ज़्यादा ना ऊँचाई पर एकदम बहुत डेंजरस मतलब रूट है यहाँ का, पानी वगैरह है। देन यहाँ पे फिर से हमें चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए हम यहाँ पे रुके थे। यहाँ पे हम लोगों ने चाय पी, कॉफ़ी पी, एंड जो बोबाला ढाबे के मतलब मैंने वो होटल का बताया ना, वहाँ पे वेज और नॉन वेज सब कुछ था, तो हम लोगों ने तो नहीं खाया। एंड यहाँ पे ये निवी है, चाचा चाची की बेटी, ये अरहम है। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय वगैरह पी, एंड अरहम के लिए पराठा यहाँ से पैक कराया था, बट वो यहाँ ना पता नहीं वो कैसा था, मेहंदी वेहंदी से बना था, आलू का पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत मोटा था और खिंचा खिंचा सा था। तो हम लोगों मतलब वो नहीं खाया, उसने भी नहीं खाया, एंड हम लोगों को भी पसंद नहीं था। इन्हें स्पेशली बोला था बच्चे के लिए है, मिर्ची मत डालना, पर उसने पता नहीं क्या सोचा, बहुत ज़्यादा लाल मिर्ची उसमें डली हुई थी। सो गाइस बस हम लोग यहाँ पर मनाली पहुँचने ही वाले हैं, एंड वैसे ही जैसे हम लोग दिल्ली लेट पहुँचे ना, वैसे ही मनाली भी हम लोग लेट पहुँचे। एंड हमारे पास सिर्फ 2.5 दिन का टाइम था समझ लो मनाली घूमने के लिए, एंड हम लोग शिमला एंड कुल्लू का प्लान करके नहीं गए थे, सिर्फ हम मनाली का ही सोच के गए थे कि सिर्फ मनाली घूमना है। सो गाइस फाइनली हम मनाली पहुँच गए हैं। ये है मनाली का बस स्टैंड, यहाँ से हमने एक कार बुक की एंड होटल के लिए निकल गए। एंड इसके आगे की ब्लॉग यदि आप देखना चाहते हो तो सब कुछ आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी, होटल वगैरह के बारे में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।